ट्रेवलर्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलते हैं, देखते हैं कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। लेट्स गो टुवर्ड वीडियो। तो जी व्यूअर्स, पिक्चर से आपको आइडिया हो गया होगा देख के कि आज का जो टॉपिक है वो सनब्लॉक से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन के लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ सनब्लॉक यूज़ होते हैं उसके बारे में बताऊँगी, उसके बारे में गाइड करूँगी हमारे सनब्लॉक में कौन से इंग्रेडिएंट्स होना लाजमी है और ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए कौन सा सनब्लॉक आपके लिए सूटेबल रहेगा और आपको स्किन के अकॉर्डिंग भी सनब्लॉक चूज़ करते हुए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ सनब्लॉक्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके अलावा भी मैं आपको बताऊँगी कि कौन से सनब्लॉक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। इसके लिए जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपको अपनी स्किन को ज़रूर स्टडी करें, स्किन का पीएच और स्किन टाइप आपको अच्छी तरह से पता हो कि ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, पीएच क्या है, सेंसिटिव है या नहीं है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी लाजमी है। उसके बाद भी अगर आपकी स्किन पे एक्ने या पिगमेंटेशन के इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी उसके अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा स्वेयर एक्ने है, टीनेज एक्ने के अलावा और पिगमेंटेशन के या फ्रिकल्स के इशू हैं तो पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, उसके बाद जो सनब्लॉक आपको आपका डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करें वो आप यूज़ करें। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन या स्वेयर एक्ने के या फ्रिकल्स के ज़्यादा फ्रिकल्स के इशू हैं, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है लाइक आपकी स्किन पर कोई एक्ने और पिगमेंटेशन और फ्रिकल्स का इशू नहीं है तो देन आप अपने पीएच और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी चूज़ खुद कर सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ सनब्लॉक कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेरी स्किन टाइप के लिए मस्ट और मेरी स्किन पीएच के अकॉर्डिंग भी होने चाहिए। क्योंकि व्यूअर्स, पहले मुझे भी इन चीज़ों का नहीं आइडिया था बिल्कुल कि स्किन सनब्लॉक में कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए या मेरी स्किन का पीएच क्या है या मेरी स्किन पे एक्ने और ओपन पोर्स का अगर इशू है तो मुझे सनब्लॉक स्विच कर लेना चाहिए। तो मैंने तो व्यूअर्स फ्रेंकली अपने सनब्लॉक स्विच करने में बहुत पैसे वेस्ट किए हैं। तो आई डोंट वांट कि आप लोग भी इसी तरह जो है बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज को यूज़ करें, पैसे वेस्ट करें एंड मोस्ट ऑफ ऑल एट द कॉस्ट ऑफ योर स्किन। पैसे वेस्ट इज़ नॉट द इशू, सबसे ज़्यादा द इशू है कि आपकी स्किन डैमेज होती है साथ में। जो भी सनब्लॉक पहली दफ़ा ये बाय करें आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, देन स्टिक टू दैट सनब्लॉक थ्रू आउट लाइक फॉर कपल ऑफ ईयर्स। लाइक आप हमेशा तो नहीं यूज़ कर सकते, अकॉर्डिंग टू द एज एंड टेम्परेचर एंड वेदर एंड वेरिएशंस के साथ साथ आपके सनब्लॉक भी आपको चेंज करने पड़ते हैं, बट अ गुड कपल ऑफ ईयर्स यू कैन स्टिक टू वन सनब्लॉक अगर आपको अच्छी नॉलेज है अपनी स्किन की और आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने सनब्लॉक लिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका जो सनब्लॉक है वो SPF 50 होना चाहिए अगर आपने धूप में जाना है, लाजमी SPF 50 होना चाहिए। लेकिन अगर आपने धूप में नहीं जाना है लेकिन वेदर चाहे कोई भी है, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, फॉगी है, क्लाउडी है, सनब्लॉक आपने 9 to 5 ज़रूर अप्लाई करना है। पहले मुझे भी इस बारे में नहीं पता था कि मुझे था कि सनब्लॉक आपने मतलब फ्रॉम सन डॉन टू डस्क आपने अप्लाई करना होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जब रिकमेंड मुझे जब उसने किया और डर्मेटोलॉजिस्ट से जब मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि 9 to 5 अगर आप इनडोर हैं तो 9 to 5 आप लगा लें तो इट्स गुड देन इनफ, और अगर आप आउटडोर हैं तो जितनी टाइम आप आउटडोर हैं उसमें तो आपने लगाना ही लगाना है, और अगर आप आउटडोर जा रहे हैं तो आपने SPS 50 वाला सनब्लॉक लाजमी अप्लाई करना है, और उसको आपने स्वेटिंग का सीज़न है या अगर ज़्यादा सन एक्सपोजर है तो आपने आफ्टर 2 आवर्स दोबारा से 2 to 3 आवर्स दोबारा रीअप्लाई करना है। ये नहीं कि आपने सुबह सनब्लॉक लगाया है 7 बजे 8 बजे और आप दोपहर 3-4 बजे तक उसी उसमें आपको स्वेटिंग भी हो रही है या स्वेटिंग इवन नहीं भी हो रही तो आपने आफ्टर एवरी 2.5 to 3 आवर्स आपने सनब्लॉक को रीअप्लाई करना है अगर आपका सन एक्सपोजर है, बाहर डे लाइट में जा रहे हैं तो। लेकिन अब घर के अंदर ना तो 9 to 5 आपने एक दफ़ा लगा लिया है तो इट्स मोर देन गुड इनफ। हाँ, अगर आप फेस वॉश कर रहे हैं या वजू कर रहे हैं तो फिर आप उसको रीअप्लाई कर लें हल्का सा लेके दोबारा से। तो आपका SPF 50 होना चाहिए लाजमी अगर इफ़ यू आर गोइंग आउट, बट इफ़ यू आर स्टेइंग इनसाइड होम तो इट्स बेटर कि आपका SPS 50 हो, नहीं तो एटलीस्ट SPS 30 या 40 वाला इनसाइड इंडोर ज़रूर हो। वो अपने 9 to 5 गर्मियाँ सर्दियाँ हर मौसम में ज़रूर लगाना है। अबाउट अपने सनब्लॉक कितने टाइम के लिए कब कब रिपीट करना है, एंड ये मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया कितना SPF होना चाहिए और किस टाइम आप किसके आपने इसको लगाना है, कितने टाइम के लिए अंदर घर में और कितने टाइम के लिए अपने बाहर जाते हुए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आपकी स्किन आपके सनब्लॉक में जो आप लगा रहे हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स तो लाजमी होने चाहिए। उसमें कोई भी सनब्लॉक अगर आप लगा रहे हैं तो
तो उसमें जिंक ऑक्साइड के पीछे बैक पे इंग्रेडिएंट्स पे लिखा होता है, इसमें जिंक ऑक्साइड आप पिक्चर भी ले सकते हैं और टाइटेनियम ऑक्साइड, ये दो या इन दोनों में से कोई एक तो लाजमी होना चाहिए। जो भी आप सनब्लॉक खरीदें उसको मेक श्योर करें कि आपके सनब्लॉक में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है, या दोनों या उन दोनों में से एक ज़रूर प्रेजेंट हो। इसमें लिखा हुआ है आप इसकी ले सकते हैं टाइटेनियम डाईऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं लेकिन मैंने आपको इस पे मेन फोकस करके दिखाया है, टाइटेनियम डाईऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये है ग्लो ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ग्लो SPF और ये SPF 60 है एंड इट्स वेरी गुड फॉर लाइक ऑल काइंड ऑफ स्किन्स, और ऑल स्किन टाइप के लिए है। लेकिन अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो फिर आप इनका दूसरा ऑर्गेनिक ट्रैवलर का यूज़ कर सकते हैं जो फॉर ऑयली स्किन है। आपकी आई सेंसिटिव हैं तो आप वो यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने इनका ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ऑयली स्किन वाला यूज़ किया था बट उसके फ्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरी आईज़ को बहुत इरीटेट कर रहे थे, इसलिए मैं उसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकी। एक दो दफ़ा अप्लाई करने के बाद मैंने उस बॉटल को साइड पर कर दिया। तो इंग्रेडिएंट्स का भी क्लियर हो गया किस टाइमिंग पे लगाना चाहिए और आपकी आपको अपनी स्किन के पीएच का पता होना चाहिए, और आपकी स्किन पे कोई इशू है तो आपको अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना है, पिगमेंटेशन फ्रैकल्स या स्किन का स्वेयर इशू है तो रिकमेंडेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट सनब्लॉक यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो उसके बाद जो मुझे अब पॉइंट क्लियर करना है वो ये है कि स्किन पे कोई इशू नहीं है। इफ यू हैव लाइक अगर आपकी स्किन को कोई पिगमेंटेशन का, फ्रेकल्स का, एक्ने का, ओपन पोर्स का कोई इशू नहीं है तो आप खुद जाके शॉप पे किस तरह से अपना सनब्लॉक चूज़ करेंगे SPF 50 या 60 या 40 का, तो उसके लिए आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए कि आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप जो है सनब्लॉक यूज़ करेंगे जो ऑयली स्किन के लिए होगा, जो जैसे कि इसमें जो क्वालिटीज़ है आपने जो भी सब अपने जाना है तो अपने ये चेक करें, नॉन कॉमेडोजेनिक हो, नॉन ग्रीसी, हाइपो एलर्जेनिक। ये तो दूसरे इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये तो हर एक उस सनब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन जो ऑयली स्किन के लिए होने चाहिए वो है नॉन ग्रीसी एंड वाटर रेजिस्टेंट एंड पैराबेन फ्री। और सबसे ज़्यादा इसमें है कि नॉन कॉमेडोजेनिक एंड नॉन ग्रीसी, क्योंकि जो नॉन कॉमेडोजेनिक नहीं होगा वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा। पोर्स को क्लॉग सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ वो मुझे मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिए, क्योंकि मुझे इसका बहुत इशू हो रहा था ओपन पोर्स का और मेरी स्किन वैसे भी ऑयली है, तो उसमें ये लिखा हुआ है नॉन ग्रीसी फॉर्मुलेशन प्रोटेक्ट फॉर द परफेक्ट फॉर द ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन एंड रिड्यूस सीबम विथ सीबम कंट्रोल फार्मूला। द बेस्ट पॉइंट अबाउट दिस सनब्लॉक इज रिड्यूस सीबम विथ सीबम कंट्रोल फार्मूला, एंड इधर भी लिखा हुआ है इसमें नॉन ग्रीसी, एंड यहाँ पे बैक साइड पे भी लिखा हुआ है कि रिड्यूस सीबम विथ सीबम कंट्रोल फार्मूला। तो आप इसका ले सकते हैं इस तरह से स्क्रीनशॉट, ताकि आप भी अगर आपकी स्किन ऑयली, ओपन पोर्स और थोड़ा बहुत एक्ने का इशू है तो आप यू कैन टेक दिस सनब्लॉक वेरी इजीली, यू कैन बाय इट फ्रॉम एनी बिग फार्मेसी या आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी से, जो बड़ी फार्मेसीज हैं उनसे मिल जाएगा। तो उससे पहले मैं यूज़ कर रही थी जब विंटर्स थे तो ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, लेकिन मेरी स्किन क्योंकि बहुत ऑयली है और मुझे ओपन पोर्स का इशू भी हो रहा था, ये मुझे मेरी डॉक्टर ने, मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे ये रिकमेंड किया, तो मैंने इसको छोड़ के ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, नाउ कम टुवर्ड दिस वन, एस्ट्रोजेनिक के सनब्लॉक बहुत अच्छे हैं, आपको सन रेज से बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, बट इसका बहुत ज़्यादा जो मेन सबसे इशू था ये भी, इट्स नॉट फॉर ऑयली स्किन और ये बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ एस्ट्रोजेनिक के हैं जो ऑयली स्किन के लिए, वो भी बहुत अच्छे हैं और दे डोंट लीव द वाइट कास्ट, ये इसका बिल्कुल कोई वो नहीं है वाइट कास्ट, इसका भी बिल्कुल ना होने जैसा है। सो दे ऑल आर लाइक वेरी गुड अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, आप चूज़ कर लें। लाइक अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो यू कैन गो फॉर दिस वन, इफ यू हैव ऑयली स्किन तो आप ये चूज़ कर लें, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये वाला, नॉर्मल स्किन के लिए ये बहुत अच्छा, और अभी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई और आप वाइट कास्ट को अगर बर्दाश्त कर सकते हैं देन गो फॉर दिस वन, अदरवाइज दिस इज़ नॉट फॉर यू इफ़ यू डोंट लाइक द वाइट कास्ट। इसके अलावा मुझे आपको बताना था लारो जो है किस कौन से सनब्लॉक आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा आप, मैंने इससे पहले बॉडी शॉप का भी यूज़ किए हैं कुछ सनब्लॉक, मुझे ये पसंद नहीं आए। लारोश पोशे के सनब्लॉक बहुत अच्छे हैं, वो आपको ऑनलाइन पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल हैं, और इसके अलावा ब्रांड वाला
एक स्टोर है पैकेजेस एम्पोरियम और मॉल ऑफ लाहौर में, वहाँ पर आपको सारे ब्रांड्स के हाई एंड ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स इजली अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। टाचा के बहुत अच्छे हैं, टाचा के सनब्लॉक भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं पाकिस्तान में भी इजली। और ये ब्रांड्स वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, ब्रांड्स वाला हाँ से आपको मिल जाएंगे, लारोस पोसे के भी और टाचा के भी। और इन दोनों के सनब्लॉक बहुत अच्छे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्किन को स्टडी करें, अपनी स्किन टाइप को, स्किन के पीएच को, और प्रॉब्लम्स हैं पिगमेंटेशन के, हाइपर पिगमेंटेशन के, एक्ने के, ओपन पोर्स के, फ्रैकल्स के, तो वही सनब्लॉक यूज़ करें जो आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करती है। एंड 9 to 5 ज़रूर अप्लाई करें अगर आप इनडोर हैं, और अगर आउटडोर हैं तो आफ्टर एवरी 3 आवर्स रिपीट करें। आपके सनब्लॉक में जो है जिंक ऑक्साइड और सनब्लॉक में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड ज़रूर होना चाहिए, दोनों में से एक लाजमी है। तो मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, कुछ रिव्यू भी दे दिया है। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, अमान अल्लाह।